बोले चित्रांश बाबा चित्रगुप्त महाराज की। किसी भी समाज का उद्धार उस समाज के लोगों के विचारों में ही नहीं है। मोस्टली लोग ये कहते हैं बहुत बुद्धिजीवी है, मैं इस बात को बिल्कुल नकारता हूं। अगर बुद्धिजीविका का रेशियो लेना है तो और कास्टों से लीजिए, हम किसी हाल में कहीं बुद्धिजीवी नहीं। बुद्धिजीवी वो होता है जो अपनी बुद्धि के साथ अपनी जीविका चलाता है। कि हमारे गार्जियंस हमेशा बच्चों की अपेक्षा, इससे ज़्यादा एक मिडिल क्लास कास्ट परिवार की अपेक्षा ना बच्चों से रहती है। बच्चों की बच्चा भी अपना जो सर्वांग विकास होता है वो अपने परिवार। पहला मेरा रिक्वेस्ट और मेरा निवेदन उन अभिभावकों से है जो केवल पुरानी जो धारणा चली आ रही है परिवार, देखिए उसकी जागरूकता है उसे उसी क्षेत्र में जाने के लिए लिबर्टी दें, स्वतंत्र छोड़ दें। किसी भी समाज का प्रजातंत्र में जब तक उसका इंटरफेयर राजनीति में नहीं होता तब तक वो हर सब क्या अभिभावक क्या माता पिता ये कहते हो बच्चों से कि ठीक है तू अगर अपना टाइम इन्वेस्टमेंट कहीं किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ कर रहा है तो उसमें अपना चरित्र संभाल कर रखे और उसमें अपना भविष्य बनाए। क्योंकि जहां हमारा राजनीति क्षेत्र में इंटरफेयर नहीं होता है तो हमारे समाज की अवहेला होती है। और मैं आज आपसे ही ये प्रश्न रखता हूं कि अगर पढ़े लिखे लोग ही राजनीति में नहीं आएंगे तो फिर तो अनपढ़ लोगों की ही वहां पे एकाधिकार बना रहेगा। गैप भी हो सकता है परंतु जहां तक मेरा ताल्लुक है मैं ही 250 परिवार में जा चुके और मौके रूप से जाकर घर में बैठ के कह जा चुका कि आपके परिवार में युवा युवक उठती है कृपया करके मंच के परिवार। वास्तव में इस कार्यक्रम में आदरणीय केंद्रीय मंत्री महोदय को आना था और कल तक उनके आने की बात थी। कल रात्रि को ही मेरे पास उनका टेलीफोन आया कि चूंकि 1 तारीख को बजट पेश हुआ है और उनका कहना था कि आप मेरी ओर से सबसे माफ़ी मांग लें और संभवतः वो जल्दी ही आने की तारीख तय कर रहे हैं। टेंटेटिव तारीख उन्होंने हमको बताई थी कि 15 को आएंगे और आप सभी साथियों के साथ बैठकर बातचीत भी करेंगे और ना आने के लिए खेद भी व्यक्त करेंगे। तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि आप लोग का चेतना मंच जिस प्रकार से कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है हम सब लोग इसको देख और समझ रहे हैं और बरेली के अंदर आपने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। वास्तव में ये किसी एक पर्चा सम्मेलन है काय समाज में काय समाज के प्रति इतना जागरूक करना और जिसके साथ साथ विवाह योग युवती का पर्चा कराना और विवाह की व्यवस्था करना ये हमारे संस्था का उद्देश्य और हमारी संस्था इसी का कार्य कर रही है, इसी के लिए प्रोत्साहित है। आज कम से कम 700 डेटा हम लोगों के बीच आ चुके हैं और हमारा प्रयास है कि उसमें कम से कम 100 से 150 साथियाँ यहाँ पर और उस एकजुटता को कैसे आगे बढ़ाया जा सके जिससे जुड़े एक दूसरे के साथ और एक दूसरे के साथ हमारे बीच में ये कार्यक्रम भव्य कार्यक्रम होता है। प्रदेश लोग सहयोग मिलता है एकता के नाम पर आयोजित किया जाता है।